नमस्कार मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव कहा जाता है कि कलयुग केवल राम नाम आधार आए यानी सिर्फ राम का नाम लेने से ही कलयुग से तार आप तर जाएंगे और सारे पाप जो हैं राम हर लेंगे आपके ऐसा ही कुछ नजारा इंदौर में भी देखा जा रहा है जबकि राम अयोध्या में विराजित हुए हैं और उनका आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो तब की इंदौर में जो माहौल है वो वाकई देखने लायक है मैं जहाँ बैठा हूँ ये इंदौर की अयोध्या है और इस अयोध्या में आज वाकई में जो माहौल हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो देखने लायक था हर घर दिए से रोशन है हर घर रोशनी से रोशन है और हर जगह श्री राम के जयकारे लग रहे हैं मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मालिनी कौर मौजूद हैं विधायक हैं आप मालिनी जी कैसा अनुभव है आपका क्योंकि आप तो इस गली में रची बसी हैं आपका बचपन यहाँ बीता तमाम सी सादे बहुत सारी यादें आपकी यहाँ से जुड़ी हुई हैं बिल्कुल बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और जिस प्रकार से लखन जी अयोध्या गए थे कार सेवक के रूप में उनका सपना आज पूरा हुआ है कई लोगों का सपना पूरा हुआ उनके साथ कई कार सेवक गए थे विषम परिस्थिति में गए थे लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सभी का सपना पूरा किया रामलला आज अपने महल में विराजित हुए जो बरसों से टेंट में बैठे थे बरसों पुराना मुद्दा था आज अपने महल में विराजित हुए तो सभी लोग आनंदित हैं एक अलग खुशी की अनुभूति है और क्षेत्र क्रमांक चार तो अयोध्या कहलाता है और आपने देखा है लोधीपुरा एक दो तीन नरसिंह बाजार पाँच लाख दियो से सभी लोगों ने दीप लगाए हैं सभी अपने अपने तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं एक अलग ही माहौल अलग ही आनंद हो रहा है हम जब आ, कोई त्यौहार मनाते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है ऊर्जा हमारे अंदर एक, एक, एक जागृति आती है कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के और ये बच्चों में भी कहीं ना कहीं हस्तांतरित होती है तो क्या कहेंगे हमारी पीढ़ी जो है आने वाली वो किस तरीके से प्रफुल्लित होने वाली बिल्कुल जैसे हम बच्चों में संस्कार डालते हैं वैसे ही वे बड़े होकर अपने संस्कार अपने इसमें इस अनुसरण करते हैं और जिस प्रकार लखन जी ने बच्चों को संस्कार दिए सभी कार्यकर्ताओं को जो संस्कार दिए वो आप देख रहे हैं देखने को मिल रहा है अभी हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं एकलव्य के बच्चे छोटे वाले के सभी लोग राम सीता लक्ष्मण हनुमान सभी छोटे छोटे बच्चे बने हैं तो ये एक संस्कार ही है और जैसे हम संस्कार डालेंगे वैसे ये बच्चे अनुसरण करेंगे और ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं सत्युग आ गया है एक अलग ही माहौल आज पूरे देश में और पूरे विश्व में राम लला के विराजित होने पर हो रहा है अब जब यहाँ की हमारी एक सपना पूरा हो रहा है ऐसे में अब क्या कहेंगे मोदी जी सरकार दोबारा से बने क्या क्या लोगों के मन की इच्छाएं हैं क्योंकि लोग आपसे निश्चित तौर पर चर्चा करते होंगे बिल्कुल अभी राम जी हमारे अयोध्या में विराजित तो, है अब मथुरा की बारी है और पूरा देश ऐसा लग रहा है कि हम स, उस युग में आ गए हैं सतयुग में आ गए हैं युग में आ गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में देव तुल्य बनकर आए हैं और जिनके हाथों ये सब काम होना है और बहुत ही अच्छा लग रहा बहुत आनंद हो रहा है अच्छा ये जो सारा आज आयोजन हुआ बड़ा अच्छा आयोजन हुआ हमने भी देखा लोगों को दिखाया क्या कहेंगे किसको जाता है इसका श्रेय सभी कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई एकलव्य के नेतृत्व में और सभी लोगों ने आज इस अयोध्या को राममय बना दिया दीपोत्सव मना दिया दीपावली मना दी और हमारे बीच में रामजी महाराज हमारे गुरु रामदयाल जी महाराज हमारे बीच में पधारे ये भी हमारा एक सौभाग्य है हमारे एक भैया भैया राम जो हमारे अमेरिका से आए हैं नीमा जी वो भी हमारे बीच में है तो बहुत ही सब सुखा चाहूंगा नेवा जी भी अगर हमको ज्वाइन कर सके नेवा जी आप कृपया थोड़ा सा अगर मेरे पास आके बैठे राम जी को गोदी में ले लें क्योंकि राम जी तो आज हमारे सबके प्रिय हैं और राम जी की तो बात ही अलग है राम जी आज बड़े सुंदर भी लग रहे हैं और बहुत सुंदर से आपका शुभ नाम क्या है अच्छा आज कैसा लग रहा है आपको आज आप किस रूप में बने हैं क्या बने हैं राम राम बने हैं और क्या कहेंगे राम कैसे हैं अच्छे अच्छे नाइस, वेरी गुड तो हमारे साथ इंदौरी भैया इंदौरी भैया भी हैं और क्या कहेंगे साहब आज का जो अवसर है कैसा अवसर है और इसको आप कितने आतुर थे देखने के लिए कितने व्याकुल थे और किस तरह से आज ये क्योंकि ये जीवन का वो क्षण है जो शायद दोबारा आपके जीवन में ना आएगा हंड्रेड परसेंट मैं बयान भी नहीं कर सकता मैं तैंतीस साल पहले अमेरिका चला गया था उन्नीस सौ इक्यानवे में जी। और आज और पूरे पिछले दो महीने से मैं इंदौर में हूँ और भारत में हूँ टी वी पर समाचार पत्रों में और फिर आज दिन भर से तो मैं टी वी पर चिपका हुआ हूँ और इंदौर में मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है मैं अपने आप को इतना खुशकस्मत मान रहा हूँ कि मैं इस समय हिंदुस्तान में हूँ और ये जो लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त उन्नीस को क्या फील हुआ होगा लोगों को हम तो दादाजी और उनके भी पिताजी से सुनते रहे आज ऐसा लग रहा है कि इस पीढ़ी को या अगली पीढ़ी को आ, देखने को मिल रहा है एक 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 इंदौरी स्टाइल में हो जाए एक राम जी के लिए कुछ वो ऐसा जोरदार कार्यक्रम मतलब विश्वास नहीं कर सकता आदमी मतलब आपको मतलब दिमाग वैसा उभड हो जाओ मतलब आप यहाँ बाहर निकलो न्यू करके पाँच छः आठ लाख मतलब जहाँ तक आपकी नजरें नहीं जा रही वहाँ तक ऐसा मतलब राम में हो रहा और छोर छोड़ छोड़ी और लोग लुकाए मतलब आप पिचासी साल के लेके पिचासी दिन के लोगों बच्चों को मिल लो और सब ऐसा जोरदार काम है साहब मोदी जी के नेतृत्व में मतलब ए वन मतलब टिपटा मतलब तिर मतलब बहुत जोरदार था आप क्या बात है तो मतलब विदेशों तक अब धूम होने वाली है होने वाली है हो गई हो गई आप देखो मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूं कल सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ी कितनी 2500 कार की रैली निकली उसमें से 700 800 टेस्ला उनका लाइट शो हुआ और डिजिटल ट्रक्स पे क्योंकि वहाँ पे तो अगली जनरेशन को दिखाया जा रहा है ना सुनाया जा रहा है राम जी के बारे में और राम जी की पूरी कथा है तो पूरा हो गया राम में अब ऋषि सुनक जी इंग्लैंड में आ गए और आ, आ, अमेरिका में भी तैयारी मतलब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजने वाला है क्या गया बज गया रहा है। बज, रहा बज, रहा रहा है। है। बज रहा है क्या बात है क्या बात है तो मोदी जी के लिए क्या मन में क्या विचार होता है अभी अगली बार क्योंकि क्यों चुनाव है ऐसे में आपको क्या लगता है युवाओं के मन में क्या है आएगा तो मोदी <laughs> क्या बात है क्या बात है अच्छा ये ये जो इंदौर का माहौल है जिससे आज आपने देखा ये कितना ज़रूरी है ना आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों के लिए ख़ासतौर पर जिस तरह से मालिनी भाभी ने पूरी तैयारी करी और सब सजाया हाँ। एकलव्य भैया भी इसमें जुड़े हुए थे किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे बड़ा श्रेय तो यहाँ से आता है लखन दादा की तरफ से आ, ये इंदौर की अयोध्या मानी जाती है और ये 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 आज नहीं हुआ या ये कल नहीं हुआ ये पिछले तीस पैंतीस सालों से मेरी जिंदगी के दौरान चल रहा है फिर पाँच सौ सालों से संघर्ष चलता आ रहा है तो उसका ऐसा लगता है ना कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और प्रोजेक्ट अचीव हो जाए तो जो जो आनंद की अनुभूति जो अचीवमेंट जो जो सक्सेस की अनुभूति होती है वही हो रही है तो अब हम निश्चित मान के चलें कि अब हम जब अपने बच्चों को कुछ आगे बताएंगे तो उनके पास सुनने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी सुनने के लिए अच्छी रहेंगी देखने के लिए अच्छी रहेंगी उनको खुद अनुभव हो रहा है तो हंड्रेड ये सब इतिहास हमारे सामने बन रहा है हम इतिहास लिख रहे हैं और ये इन लोगों के लिए लिख तो रहे निश्चित तौर पर थैंक यू सो मच आपको तो हमारे साथ देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आज हुई हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें जरूरी हैं और हमारे आपके जीवन में भी अगर हम जो हम अनुसरण करेंगे जो हम सीखेंगे उसी बच्चे उसी चीज़ को बच्चे दोहराएंगे और उसी का वो अनुसरण करेंगे कहीं ना कहीं ये संस्कार की बात है और ये बात है हिंदुस्तान की आज भारत की छवि विदेशों तक है मोदी के नाम का डंका है और आने वाले चुनाव में अब तो ये कहा जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही उमेश भारद्वाज ये भी पिलाईव इंदौर